अम्बाला कोर्ट में पेशी पर आए एक मोबाइल चोर ने पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने कोर्ट की पहली मंजिल से छलांग लगाई, जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया। लेकिन भागने के दौरान चोर गंभीर रूप से घायल हो गया और उपचार के लिए उसे नागरिक अस्पताल ले जाया गया। मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल SHO धर्मवीर ने क्या कुछ कहा, आप ही सुनिए। अमन उर्फ मोर नाम से आरोपी था, लाल कुर्ती का जी। इसने गुरुद्वारा साहब से मोबाइल चोरी किया था। इसको कल अरेस्ट किया था हमने और आज मोबाइल बरामद करने के लिए इसके रिमांड के लिए कोर्ट में ले गए थे। और इसने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की और नीचे छलांग लगा ली। इसको सिर पे चोट लगी है और अब इसको इलाज के लिए सिविल अस्पताल अम्बाड़ा लेकर आए हैं और इसका इलाज करा के दोबारा से कोर्ट में माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। सिर में चोट है और टांग पे चोट है। कौन से मंदिर? लाल कुर्ती गुरुद्वारा से जी। हाँ, ये क्रिमिनल टाइप आदमी है और नशा वगैरह का भी आती है। हाँ, पुलिस कस्टडी से भागना चाहता था ये। बता दें कि आरोपी अमन को कल पुलिस ने कैंट के लाल कुर्ती से गुरुद्वारा साहिब में मोबाइल चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसे रिकवरी के लिए पुलिस ने इसका रिमांड भी लेना था। आरोपी अमन उर्फ मोर कैंट लाल कुर्ती का रहने वाला है और इसे गुरुद्वारा साहिब मोबाइल चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। आज जब कोर्ट में पेश करने के लिए आए तो पुलिस कस्टडी से भागते हुए अमन पहली मंजिल से कूद गया। इसके ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल उपचार करवाकर इसे दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। अम्बाला से सत्य खबर के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।